हाँ तो कैसा था पेपर? पेपर तो ठीक था, इजी आया पेपर। मतलब इजी है आपका? इजी मेरे को तो इजी लगा क्योंकि मैं पढ़ के आया था। अच्छा। पर पढ़ के आया पर मेरे को कन्फ्यूजन हो गया इसीलिए, बाकी मेरा पूरा पढ़ा वाला है। मतलब क्या कन्फ्यूजन हो? जैसे जो भी आया उसमें क्वेश्चंस वगैरह, तो उसका ऐसा था कि पढ़ा वाला में से आया जो पढ़ा रहा है सिलेबस का ही आया पूरा, पर मेरे को कन्फ्यूजन होगा कि ये आ रहा है कि ये आ रहा है। जैसे मेरा मैंने रिविजन नहीं किया ये हो सकता है ऐसा, तो उस वजह से क्वेश्चन आया था 1857 के जो विद्रोह हुआ था पंचायती राज से, क्वेश्चन आया था। और पंचायती राज से दो क्वेश्चन आए थे, एक वो पूछा था उनने आर्टिकल 40 के बारे में, और एक पूछा था उनने कि मगध साम्राज्य जो इतिहास पढ़ाते कि नहीं कि आर्ट ऐसा कुछ था, उसका एक क्वेश्चन था। और रीजनिंग ज़्यादा देखने को मिली मेरे को आज। रीजनिंग ज़्यादा मिली है? रीजनिंग ज़्यादा कैसी थी? मैथ्स ईजी थी, मैथ्स ईजी थी और कैलकुलेटिव भी उतनी नहीं थी, बन जा रहा था। मतलब बन रहा है नॉर्मल पेपर? बन रहा, पूरा पेपर बन रहा है। और बाकी एमपी का कोई क्वेश्चन याद हो? एमपी का हाँ, वो राष्ट्रीय उद्यान से दो क्वेश्चन पूछे थे, तो एक भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना था वो पूछा, और एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी ये पूछा। अच्छा, और इंडिया से कोई क्वेश्चन? इंडिया से भी मेरे को 3-4 क्वेश्चन इतिहास से देखने को मिले, और इंडिया से तो एक जैसा कि आपको बताया कि राष्ट्रीय उद्यान पहला कौन सा, और करेंट अफेयर आया था, पर एमपी का करेंट अफेयर मेरे को 4 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिले। मतलब एमपी का करेंट अफेयर ज़्यादा पूछा? एमपी का करेंट अफेयर। और बाकी इंडिया का? इंडिया का भी हाँ एक पूछा था, वो खेल से पूछा था। अच्छा, खेल से संबंधित? खेल से संबंधित पूछा था, तो खेल से भी दो क्वेश्चन थे, तो एक एमपी का था और एक इसका था। और बाकी कंप्यूटर वगैरह कैसा पूछ रहा है? कंप्यूटर इजी भी था, और मतलब कोई क्वेश्चन, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे वन लाइनर थे, तो वो जैसे अपन ने पढ़ा है कंप्यूटर तो वो बन जा रहा है। अच्छा। बाकी फिर थोड़ा सा अगर समझ के जिनने फिर डीप में पढ़ा है तो उसके आगे फिर वो बनेगा। मतलब ज़्यादा ईजी नहीं दे रहा है, थोड़ा डीप में दे रहा है? हाँ, मीडियम कह सकते हैं अपन, क्योंकि उतना भी नहीं आ रहा है। ऐसा है। और रीजनिंग वगैरह मैथ? रीजनिंग मैथ्स भी इजी आई थी, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा क्वेश्चन घुमा के नहीं दिए उन्होंने, सीधा सीधा पूछ लिया, और ना ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिले, आ रहा है तो करो बस। अच्छा, और मतलब क्या बच्चा, ये मैनेजमेंट कैसा आ रहा? मैनेजमेंट तो अच्छा आ रहा, मैं पढ़ के आया तो उसमें भी जो जो वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर पढ़ के आया है तो बन जाएंगे, और बाकी जो घुमा फिरा के पूछ रहा है तो उसमें फिर अब ऐसा है कि वो मेरे को नहीं पता खुद कि मैंने सही लगाया कि गलत लगाया। अच्छा, मतलब ज़्यादा इजी नहीं है इतना? हाँ। थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं, फिर उसमें अपने विवेक के ऊपर, अब मैंने लगाया तो मेरे को तो लग रहा है कि मैंने सही लगाया, पर अब वो पता नहीं, अब नंबर नहीं आए तो नहीं, ये होता है, मतलब अपन को तो ऐसा लगता है कि होता है। हाँ। हिंदी कैसी थी? हिंदी तो ठीक थी, पर जैसा अभी तक आ रहा था वैसी नहीं आई, अभी जैसे लास्ट टाइम भी जैसे बदली थी वाच वगैरह से आए थे ना, तो आज भी उसी से आए ऐसा। और बाकी मैथ का कोई क्वेश्चन याद है? मैथ्स का कैलकुलेटिव थी क्या, कैसा, कोई सी आई ऐसा आई? हाँ, मैथ्स का एक क्वेश्चन था वो इजी था। कैसा? डीआई का क्वेश्चन था, वो जैसे उसमें आयु दी थी कि 15 से 25 वर्ष की आयु तक के बीच का जोड़ना था, नहीं 15 से 45 वर्ष की आयु तक का एक ग्राफ दिया था, उसमें जोड़ना था और 45 से ज़्यादा जोड़ना था, तो इजी था, जोड़ के उनका अंतर निकालना था, पर उसमें मेरा आंसर नहीं आया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्वेश्चन गलत था? तो अब मैंने तो उसमें थक के देख लिया, तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन गलत है वो, पर हो सकता है कि और कुछ लगा होगा, या पर मैंने वो 2-3 बार आया वो क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास मैंने 2-3 बार करने की कोशिश की पर वो नहीं बना। अच्छा, रीजनिंग में क्या पजल वगैरह आ रही? पजल तो एक देखने को मिली, पर उसमें दिशा दूरी के 2 क्वेश्चन थे, उसमें से एक ही बना मेरे से। अच्छा। और ब्लड रिलेशन एक था, तो वो एकदम इजी था। मतलब कोई सा रीजनिंग में कौन सा चैप्टर से? ये कैलेंडर वगैरह तो नहीं आ रहा ना? कैलेंडर नहीं दिखा, पर क्लॉक दिखी एक। अच्छा, क्लॉक दिखा? हाँ, एक क्लॉक दिखी। और कोई सा क्वेश्चन? और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को याद भी, कोडिंग डिकोडिंग एकदम से नहीं आ रहा। हाँ, एकदम नहीं आता है। कोडिंग डिकोडिंग भी हाँ 2-3 क्वेश्चन दिखिए। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं, पर पहले ज़्यादा आ रहे थे, अभी कम आ रहे हैं, मेरे को 2-1 ही दिखे बस, ज़्यादा नहीं दिखे। चलिए, नंबर बताइए। 120 नंबर आया बस। नंबर बहुत बढ़िया है, हो सकता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू। एजुकेशन